ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 को हम कंटिन्यू करते हैं जी दोबारा। अच्छा पहले हिस्से में जरा निकालते हैं हम, पहले इस पोर्शन में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। मुझे दो चीजें चाहिए, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट गिवन नहीं है जरा देखिएगा, और सेल्स क्या है, सेल्स गिवन है 10,000 क्योंकि आपने गुड सेल की है 10,000। ठीक है, लिहाजा प्रॉफिट कितना आया ये भी हम निकाल लेंगे। तीन चीजें मुझे चाहिए, और साथ ही जो दूसरा हिस्सा दिया हुआ है इसी ट्रांजेक्शन में, यहाँ पर कॉस्ट गिवन है यानी दूसरे हिस्से की कॉस्ट जो है वो 6,000 है, और आपने इसको सेल किया है 25% मार्जिन पे, तो सेल मुझे नहीं मालूम, तो सेल मालूम होगी तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा। ये यहां से मैंने कैलकुलेशन करनी है। अब आइएगा नीचे, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस पी, इसको यूज करते हैं पहले हिस्से के लिए। पहले हिस्से में सेल कितनी है जी 10,000, कॉस्ट गिवन नहीं है, मैंने फाइंड करनी है, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, मार्कअप, मार्कअप होता है कॉस्ट पे, यानी 25% मार्कअप का मतलब है 25% ऑफ कॉस्ट, तो ये 1.25 हो गया, 1.25 वहां जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी 8,000। तो ये पहले हिस्से में 8,000 की कॉस्ट आई। अब 8,000 की गुड्स आपने 10,000 में सेल की तो प्रॉफिट कितना आया, 2,000। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आइएगा दूसरे हिस्से में, दूसरे में भी यही चीज कैलकुलेट करूंगा, एस इज इक्वल टू सी प्लस पी। सेकेंड पोर्शन में कॉस्ट गिवन है, सेल गिवन नहीं है, मैंने सेल फाइंड करनी है, तो कॉस्ट है 6,000 और प्रॉफिट है यहाँ पर 25% मार्जिन, और मार्जिन का मतलब क्या है, 25% ऑफ सेल्स, 0.25 ऑफ एस, यहाँ 0.25 ऑफ सी लिखा था, कॉस्ट मार्कअप होगा कॉस्ट पे होगा, मार्जिन होगा तो सेल पर होगा, ये 25% यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो 0.75 आ जाएगा, और 0.75 को इस पे डिवाइड कर दूंगा तो ये सेल मेरे पास बन जाएगी 6,000 डिवाइडेड बाय 0.75, 8,000, ये अमाउंट भी 8,000 है, यानी इट मींस कि यहाँ पर 6,000 कॉस्ट की गुड्स आपने 8,000 में सेल किए तो प्रॉफिट अब भी 2,000। अब मैंने इस ट्रांजैक्शन का काउंटिंग इक्वेशन में जब लाना है, दोनों को सेपरेट भी ला सकते हो लेकिन कंबाइन भी कर सकते हो, यानी 14,000 वर्थ की गुड्स आपने सेल किए, इसका मतलब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ गया, ये 14,000 इन्वेंट्री में से या स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, ये देखिएगा ये मैं स्टॉक से माइनस कर रहा, पहली चीज। दूसरा, प्रॉफिट कितना हुआ आपको 4,000, ये 4,000 प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस होगा, ये कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल में मैंने 4,000 प्लस कर दिया। अब इससे आगे की ट्रांजैक्शन में आते हैं, ये जो 10,000 सेल किया ये कैश पे किया, कैश में, जब आप कैश में सेल करोगे तो यकीनी बात है कैश मेरे पास बिजनेस में आएगा, इंक्रीज होगा, तो 10,000 में कैश में प्लस कर, और उसके बाद आपने ये 8,000 जो सेल किया, दिस 8,000 ये क्रेडिट पे किया है, तो इसका मतलब इससे डेटर्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे 8,000, ये डेटर्स में जाएंगे। अब ओवरऑल इफेक्ट देखें तो ये डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, कैसे 10 + 8 = 18 - 14 4,000 आ रहा है एसेट साइड, और यहाँ पर भी 4,000, तो ये वही है असल में जो पहले अभी पिछली क्वेश्चन थी उसमें दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो दी थी, इसने इस क्वेश्चन में दोनों को मर्ज कर दिया, तो इस तरह ट्रांजेक्शन लेंथी हो जाते हैं, तो इसका जब ऐसी सिचुएशन आए तो ये वर्किंग लाजमी शो करे, इसको कहते हैं वर्किंग, उसको नंबर दे वर्किंग वन। ठीक है, जैसे यहाँ मैं ट्रांजेक्शन 5 करूंगा, यहाँ लिखूंगा वर्किंग नंबर 1, और वर्किंग 1 को मैं पहले सॉल्व करूंगा, वहां से वैल्यूज निकालूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा यहाँ पर जाकर फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में, और रेफरेंस दे दूंगा कि ये वैल्यूज मैंने कहाँ कैलकुलेट की। ठीक है, या आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग का स्टाइल समझ जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोली थी, ट्रांजेक्शन नंबर 8,
ट्रांजेक्शन 8 में है जी, चेक ऑफ 1950 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ 2000 वाज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ये बड़ा जबरदस्त आपकी ट्रांजेक्शन है, ठीक है जी। और इसको देखने और मुझे हैरत है, और किसी ने नहीं पूछी, या एक ने पूछ ली, मैं सबका अनुमता चले, एक ने पूछी, काफी है। ये ट्रांजेक्शन काफी टफ है, डिफरेंट है, बल्कि टफ क्या है, डिफरेंट है तो आसान। अच्छा, वो कह रहे हैं चेक ऑफ रुपीज 1950 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ रुपीज 2000 वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू, आगे रीजन है वो मुझे यहां ना भी लिखूं तो मसला नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब जरा मीनिंग समझेगा इसका। देखिए, होता यह है कि जब डिसऑनर को मैं एक्सप्लेन पहले कर दूं, डिसऑनर होता क्या, आप बिजनेस में मुख्तलिफ कस्टमर्स होते हैं, कुछ पेमेंट कैश में करते हैं, कुछ पेमेंट चेक्स में करते हैं। अब आप कोई कस्टमर चेक दे जाते हैं, अच्छा आप जब चेक देते हैं तो कितना चेक देते हैं, 1950 का, और इनवॉइस कितनी थी 2000, इसका मतलब आपने उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट भी दे दिया। अब वो चेक डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर से मतलब क्या, आप बैंक में जमा करा देते हैं, हो गया जमा, और आपने एंट्री भी पास कर दी। याद रखिएगा, ये 2-3 दिन पहले हो चुका होगा चेक, ये दोबारा नहीं करना। इस वक्त हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डिसऑनर, अब ये चेक बैंक से वापस आ जाता है, तो जब भी डिसऑनर होगा ना, तो जो इससे पहले एंट्री होती है ना, उसको रिवर्स करना होगा। यानी जिस दिन आपने चेक रिसीव किया था, उस दिन आपने लिखा था मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, अब चेक वापस हुआ तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 8 में बैंक बैलेंस कम कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, 1950 से मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस दिन आपने चेक रिसीव किया था उस दिन आपका बैंक बैलेंस, आपने कहा था कि इंक्रीज हो गया, बुक्स में शो किया मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन अब ये 1950 से आप इसको कम करो, ठीक है। नेक्स्ट, इनवॉइस थी 2000 की, तो आपने पहले रिसीवेबल कम कर दिए थे, अब आपके डेटर्स दोबारा बढ़ जाएंगे, ये रकम दोबारा ले रही है ना आपने उसे, जब डिसऑनर हो गए, लेकिन आप 1950 नहीं लोगे, आप पूरी 2000 लोगे, यानी इसकी मीन्स के जो आपने पहले 50 का डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट खत्म हो गया, और जब डिस्काउंट दिया था तो वो एक्सपेंस बना था, तो अब डिस्काउंट खत्म कर रहे हैं, तो एक्सपेंस खत्म होगा, तो ये मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये 50 कैपिटल में जाकर इसको ऐड करेगा, ठीक है जी। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 8। अच्छा जी, और कोई ट्रांजेक्शन क्वेश्चन 6 में? सर ये लास्ट वाली बात दोबारा बता दें। लास्ट वाली मैं ये बताता हूँ कि जिस वक्त आपने ये पहले चेक रिसीव किया था 2000 के अगेंस्ट 1950 का, तो आपने डिस्काउंट अलाउड किया था, ये डिस्काउंट अलाउड है, आपने 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया था उसे, और ये डिस्काउंट कैपिटल में से माइनस होता है, ये हो चुका है। अब जिस वक्त पेमेंट ही नहीं हुई, तो क्या डिस्काउंट उसको रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये डिस्काउंट जो है रिवर्स करना है, पहले ये एक्सपेंस था तो अब ये इनकम बन जाएगी, इसको जीरो करने के लिए मुझे इसको इनकम बनाना पड़ेगा, तो 50 माइनस करूंगा एक्सपेंस में जब माइनस करूंगा, या दूसरे लफ्जों में अभी समझने के लिए, अभी ये समझ लो मैं इनकम बना, जब इनकम बनाऊंगा 50 की, तो ये फिर कैपिटल में प्लस हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको प्लस किया, रिवर्सल। सर, ये आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। आ रही आपको? बोले ट्रांजैक्शन 5 में 10,000 और 8,000 वाली बात बता दें दोबारा। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में ये जो 8,000 और 10,000 वाली अमाउंट्स हैं, ये वाली, ठीक है। अब जरा आइएगा, इस ट्रांजेक्शन को सामने रखें, ये पहले वाले से, और मैं लिखता है कि इसको मैं रीड कर रहा हूं ताकि आपको यहीं से समझ में आ जाए। लिखता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000, ठीक है, बस इतनी सी बात से मसला हल हो जाना चाहिए कि आपने जो गुड्स है वो सेल किए हैं 10,000 रुपीज की, और किसमें किए हैं,
कैश में, लेकिन ये बात है इसके अगेंस्ट कैश आया तो ये कैश में ऐड कर, ठीक है। और दूसरी दूसरे हिस्से में कह रहा है एंड गुड्स कॉस्टिंग 6000 वर सोल्ड एट 25% मार्जिन ऑन क्रेडिट, यानी 6000 मालियत की गुड्स आपने बेची हैं 20% प्रॉफिट पे, तो वो बेची कितने में है पहले तो वो अमाउंट डाली 8000, और ये लिखा है ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट पे खरीदा है तो इसका मतलब मैंने ये अमाउंट रिसीव नहीं की, बल्कि आई विल रिसीव दिस अमाउंट इन फ्यूचर, तो ये 8000 मेरा इसलिए डेटर्स में ऐड, ठीक हो गया। सर ट्रांजैक्शन नंबर 3 बता दें। ट्रांजैक्शन नंबर 3 सर क्वेश्चन है कि ये जो लिखा होता है कि विल बी पेएबल इन फ्यूचर, जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन होती है वो हम डील नहीं करते पहले। बेटे आपकी आवाज जो है ना वो बहुत ही हल्की आई है, मुझे नहीं समझ आई आपने क्या कहा। सर जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन होती है विल बी पेएबल इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रुपीज 1000 वाज पेड बाय चेक, वेरी इजी ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट आपने पे किया है बैंक लोन पर, यानी जो लोन लिया हुआ था उस पर 1000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। जब इंटरेस्ट पे करते हैं उसका एक इफेक्ट कहाँ जाता है, कैपिटल में, यानी एक तरफ कैपिटल में से माइनस होगा, इतना आपने इंटरेस्ट पे किया है 1000 का, और दूसरी तरफ आप पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा 1000। सिंपल टॉर्स ये एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट आइएगा सर, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसे हम कैपिटल में लिखते हैं हमेशा, एक्सपेंस होता है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो इनकम हो जाएगी, और अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हमें देना पड़ेगा तो वो एक्सपेंस होता है। ओके सर, ये जो कैश बाउंस होना होता है इसका मतलब भी डिसऑनर होना होता है। इसका मुख्य वर्ड है, कैंसिल का वर्ड भी यूज होता है, डिसऑनर का भी वर्ड यूज होता है, बाउंस का वर्ड भी यूज होता है। इसमें तीन वर्ड्स जो है वो हमारे यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था मेरे पास, जो आवाजें आ रही थी बच्चों की, सर फ्यूचर वैल्यूज होती है ट्रांजेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल विल बी पेएबल, तो ये हम पहले डील नहीं करते। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो जो आपकी फ्यूचर ट्रांजैक्शन आज तय हो जाती है ना कि तो वो आज की डेट में कभी रिकॉर्ड नहीं होती है। मिसाल के तौर पे मैंने लोन लिया और एग्री किया कि आई विल पे इतनी अमाउंट ऑफ दिस इंटरेस्ट इन फ्यूचर आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ, तो वो इंटरेस्ट आज नहीं रिकॉर्ड करूंगा, उस दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन एक्चुअली पे किया है। आज अगर मैं ये तय कर लेता हूँ कि I will give you a discount after 15 days. तो मैं आज उसको record नहीं कर सकता, मैं 15 days के बाद record करूँगा। Future की कोई transaction आज record नहीं होती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसको हम, मैंने शायद पहले भी क्लास में वर्ड यूज किया था, हम कहते हैं chronological। ये order का नाम है तरतीब, यानी हर ट्रांजेक्शन अपनी अपनी तरतीब से रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसको अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस, ठीक है जी। तो एनी, अब अगली एग्जांपल में चलते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं ये सारे वो हैं जो एग्जाम में जिस स्टाइल में आते हैं, इस तरह के भी आते हैं, लेकिन आजकल उसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज हुआ हुआ है, वो इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। अब मैं ये शेयर कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन, क्वेश्चन की अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 निकालिएगा, ठीक है। अब यहां पर लिख क्या रहा है ऊपर पढ़िएगा, एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट हैड प्रिपेयर्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच कंटेन्स मिस्टेक्स।
अच्छा वो ये ट्रांजेक्शन बनी बनाई दे दी उसने, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई है अगर आप गौर से देखो तो, एसेट लाइबिलिटीज इक्विटी करना क्या आपने, आपने दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया क्योंकि इसमें बहुत सी एरर्स नजर आएंगी, बहुत सी एरर्स। लेट्स स्टार्ट, हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं और ये आपने सरासर नोट करना है क्योंकि मैं यहीं पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने करना खुद है। तो पहला हिस्सा देखिए तो कैश आ रहा है, पहला हेड, पहले तो हेड चेक करो ये ठीक है या नहीं, कैश लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, बैंक है ये भी सही है, ये भी एसेट होता है, क्रेडिटर्स ये मेरा एसेट नहीं होता ये लाइबिलिटी है, तो लिहाजा इसको इस साइड पे नहीं लिखना, क्रेडिटर्स को दूसरी साइड पे लिखना है लाइबिलिटीज वाली। देन फिर स्टॉक ठीक है ये सही है, बैंक लोन इज अवर लाइबिलिटी, तो बैंक लोन भी एसेट साइड पे नहीं आएगा लाइबिलिटी साइड पे आएगा। उसके बाद फर्नीचर ये ठीक है, ये भी एसेट होता है, ड्राइंग्स ऑनर्स इक्विटी होती है और ड्राइंग्स का हेड कोई अलग नहीं होता, ये कैपिटल में मर्ज होता तो इसको वैसे ही नहीं लेना होता, ठीक है ये कैपिटल में मर्ज होता है। तो इट मीन्स कि अब मेरे इस साइट पे अगर आप देखें तो तीन हेड ऐसे हैं जो यहाँ रिलेट नहीं करते, उसको खत्म करें। लाइबिलिटी साइट पे आए तो डेटर्स नहीं है, अब डेटर्स तो आपका एसेट होता है ये लाइबिलिटी तो नहीं है, तो लिहाजा इसको कॉलम को इस साइट पे लाना है। उसके बाद एक्सपेंस पेबल लाइबिलिटी है ठीक है और कैपिटल। तो पहली चीज तो ये है कि जिस वक्त आप अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करोगे तो पहला टास्क आपने ये करना है कि हेड को ठीक कर लेना। अब आफ्टर करेक्शन मैं बोल रहा हूँ क्या क्या हेड होंगे एसेट साइड पे, नंबर वन कैश, नंबर टू बैंक, नंबर थ्री स्टॉक, नंबर फोर फर्नीचर, नंबर फाइव डेटर्स, ये पांच हेड आएंगे एसेट साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे कौन कौन से हेड आएंगे, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एक्सपेंस पेएबल और कैपिटल, ठीक है ये चार हेड आएंगे आपके लाइबिलिटी साइड। ओके, अब उसके बाद ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। जिस वगैरह ये ठीक कर लेंगे तो ट्रांजेक्शन तो यहीं से रीड करनी है, तो अब आपने देखना ये है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, पहली चीज आपने ये चेक करनी है कि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल है या नहीं है। तो सर पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं, पहली ट्रांजेक्शन ठीक है, देखिए कैश आपका आ रहा है 20,000, स्टॉक आ रहा है 10,000 और कैपिटल आ रहा है 30,000। तो अगर मैं 20 और 10 को प्लस करूं तो 30 बनता है, ये 30 ही आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली ट्रांजेक्शन है, ये शो कर रही है कैश इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। ये मुमकिन है कि कैश भी इंक्रीज हो, स्टॉक भी इंक्रीज हो, कैपिटल डिक्रीज हो। बेसिकली ये ट्रांजेक्शन कौन सी है कि ऑनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो 20,000 कैश लेकर आ रहा है, 10,000 स्टॉक लेके आ रहा है, तो इससे कैपिटल बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये पहली ट्रांजेक्शन में 30,000 आप माइनस में नहीं लिखोगे, ये प्लस में और ट्रांजेक्शन को ठीक कर लेंगे, ठीक है जी। सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश 6,000, ये कैश आ रहा है बिजनेस में, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं और स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर माइनस हो रहे हैं, तो ये तो अजीब सी ट्रांजेक्शन होगी। देखो ये तीन चीजों पे तब आता है जब आप परचेज करते हैं, क्रेडिटर्स पे भी इफेक्ट आता है, स्टॉक पे भी आता है और कैश पे भी आता है। असल में ये ट्रांजेक्शन में एरर क्या है, स्टॉक 12,000 का बिजनेस में आया, उसके अगेंस्ट 6,000 आपने पे किया, ये कैश प्लस नहीं होना चाहिए था, कैश माइनस होना चाहिए था और 6,000 आपने फ्यूचर में पे करने हैं, ये माइनस नहीं होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। और ये इक्वल की दूसरी साइड पे होगा जब करेक्ट हो गया, तो इसमें करेक्शन सिंपल ये करनी है कि कैश को माइनस करना है और क्रेडिटर्स को प्लस करना, ठीक है। इससे अगली ट्रांजेक्शन देखें, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है और ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, यानी इसका मतलब बिजनेस में ड्राइंग की और कैश आ रहा है, ये गलत है। बिजनेस में जब ड्राइंग की जाती है तो कैश आता नहीं है, कैश आउट हो रहा होता है, ये कैश माइनस होगा और ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ड्राइंग का हेड खत्म हो जाएगा और वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, इजी ट्रांजेक्शन।
सर इसके अंदर बैलेंसिंग तो नहीं करनी होती हर वो ट्रांजैक्शन के बाद? हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस इसमें नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें सिर्फ करेक्शन करनी है, इसकी रिक्वायरमेंट ही करेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक आपका 10,000 कम हो रहा है और डेटर्स 11,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। पहली बात, इसमें दो प्रॉब्लम मुझे नजर आई। एक तो वेरी क्लियर के इसकी डेबिट अमाउंट इक्वल नहीं है, 1,000 का फर्क आ रहा है, और दूसरा यह है कि ये कैसे मुमकिन है कि कैश जा रहा हो और डेटर्स बढ़ रहे हो। डेटर से आप पैसे लेते हो या पेमेंट करते हो? यही मतलब, डेटर से पेमेंट हम रिसीव करते हैं, इसका मतलब है कि डेटर्स ने 11,000 की इनवॉइस के अगेंस्ट हमें 10,000 पे किया, तो बाकी 1,000 रुपीज जो है वो डिस्काउंट में चला जाएगा, हमने डिस्काउंट अलाउ किया और डिस्काउंट कैपिटल से माइनस होगा। इसकी ओवरऑल कलेक्शन कैसे हुई कि डेटर्स प्लस नहीं होंगे, डेटर्स माइनस होंगे, और डेटर्स इस साइड पे आ चुका होगा आपका जो कलेक्शन होने के बाद, डेटर्स 11,000 माइनस होंगे, बैंक 10,000 ऐड होगा, डेटर से चेक मिलता है आपको, और 1,000 आप जो डिस्काउंट है वो कैपिटल में माइनस करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कैश कम हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो, जब स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्टॉक डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा, स्टॉक जब डिक्रीज हो रहा है तो उसके प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना, प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं और बैलेंस हो रहा है 4 और 2, 6 और 6, तो ये परचेज ट्रांजेक्शन है, इसको परचेज ट्रांजेक्शन हम लेते हैं। अब मैं इसको लूंगा, स्टॉक लिया आपने, ये 6,000 माइनस नहीं हो रहा, इसको प्लस कर रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, कैश पे करेंगे, ठीक है, तो फिर बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट करेंगे, यानी 6,000 का आपने स्टॉक खरीदा जिसमें 4,000 कैश दे दिया और 2,000 का आपने चेक दिया, भी जब चेक देंगे तो ये 2,000 प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। इसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक 8,000 प्लस हो रहा है, फर्नीचर 12,000 प्लस हो रहा है और डेटर्स 4,000 प्लस हो रहा है। तो पहली चीज है कि फर्नीचर आपने खरीदा, ये ठीक है, ये प्लस ही होना चाहिए, लेकिन जब फर्नीचर करोगे तो चेक पे करोगे, 8,000 का चेक पे किया है तो ये माइनस आना चाहिए, और दूसरी तरफ जब चेक पे कर दिया आपने तो डेट बाकी अमाउंट जो है 4,000 की वो आपने डेटर्स में डाली कि आपने फ्यूचर में इसको रिसीव करना है, तो ये गलत है, ये डेटर्स में नहीं आएगी, ये क्रेडिटर्स में आएगी, क्योंकि जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो उसके गेस्ट आपके पास जब कैश आता है तो पूरा तो नहीं लिया ना, बाकी सॉरी कैश पे आपने पूरा नहीं किया, 8,000 पे किया, बाकी 4,000 आपने कहा मैं फ्यूचर में इसको पे कर, ठीक है, तो वो हमारा लाइबिलिटी है, वो एसेट है, वो डेटर्स में नहीं आएगा, वो क्रेडिटर्स में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, कैश बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन इजी है। आपने लोन लिया, लोन लेंगे तो कैश आएगा, कैश आया तो 3,000 प्लस होना चाहिए और 6,000 प्लस है, ये ठीक है, ठीक है, यानी 3,000, अभी हमने ट्रांजेक्शन पढ़ी थी ना कि आपने लोन लिया और इसमें इतनी अमाउंट बैंक में जमा करा दी, तो ये उसी तरह की ट्रांजेक्शन है कि 9,000 लिया आपने लोन जिसमें 6,000 आपने बैंक में जाकर जमा करा दिया, तो भी जब 6,000 बैंक में जमा करा दिया तो 3,000 कैश में रह गया, तो कैश इंक्रीज होना चाहिए, तो इसको जरा एक दफा ट्राई मार लिया खुद, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन जिस तरह मैंने बोली है इसके अलावा भी हो सकती है, यानी ये एक से ज्यादा इसके करेक्शन हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही हो, इसलिए जरा कुछ खुद भी कोशिश कीजिए। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन और भी है, कैश का 2,000 का ये माइनस हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सपेंस पेबल 5,000 से प्लस हो रहे हैं और 7,000 से कैपिटल प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये बेसिकली आपका एक्सपेंस है 7,000 का, ये कैपिटल से माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, कैपिटल से माइनस होगा, जिसमें से 2,000 आपने पे कर दिया, बाकी 5,000 पेएबल है, तो ये दो ठीक है, सिर्फ फर्क यहाँ आ रहा है 7,000, जिस वजह सारी ट्रांजेक्शन आप करेक्ट कर लेंगे, एंड पे आप टोटल करेंगे, इसके एंड पे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद एक दफा चेक करेंगे कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। ये एक लास्ट एंट्री या लास्ट टोटल वाली बात? सर लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री। देखो, लास्ट एंट्री में मैंने बोला कि आपका कैश आपका डिक्रीज हो रहा है,
ठीक है, और ये एक्सपेंस पेबल का हेड है, एक्सपेंस पेबल इंक्रीज हो रहा है, ये इसका मतलब आपने 5000 का एक्सपेंस पे नहीं किया तो ये आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और ये 7000 प्लस हो रहा है। असल में ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैपिटल बढ़ता नहीं है, एक्सपेंस से कैपिटल कम होता है, ये 7000 कैपिटल में माइनस होना है बस, और बाकी सब ठीक है, क्योंकि ये 5000 लाइबिलिटी बढ़ रही है बिल्कुल ठीक है और 2000 कैश कम हो रहा है, यानी 7000 का एक्सपेंस था बिजनेस का जिसमें से आपने 2000 पे कर दिया और बाकी 5000 आप पे करोगे फ्यूचर में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये पेपर में 3 टाइम आ चुका है इस टाइप का, ठीक है, तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो एग्जाम के जब क्वेश्चन करेंगे वो अलग है, अभी तो एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया हमने, ठीक है, पहले फेज पे हम अपने ये क्वेश्चन करेंगे फिर उसकी तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 8 में होता क्या है, ये वैसे कंपैरेटिवली आसान होता है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई दी है और ये गलत नहीं है, ये ठीक है, सिर्फ आपको ये कहा है कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर, ठीक है, जरा देखें, फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन वाज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑफ एनएस फर्नीचर स्टोर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2017, ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन आ रही है 7 ट्रांजेक्शन, रिक्वायरमेंट देखिएगा, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2017 For NS Furniture Store, okay. आपने सिर्फ ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, अगेन इसमें भी ट्रांजेक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, इसमें बैलेंस को कुछ नहीं करना, ट्रांजेक्शन की तरफ आए, ट्रांजेक्शन नंबर 1, वो लिख रहे जी कैश 4000 प्लस हो रहा है, जिसका मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ये भी शो कर रहा है कि आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी चेक रिसीव कर रहे हैं और डेटर्स कम हो रहे हैं, यानी इसका इट मींस कि ये जो कैश और बैंक आ रहा है, ये कैश और चेक आ रहा है, ये किससे आ रहा है, डेटर्स से, और फिर ये 200 कैपिटल से माइनस हो रहा है, इट मींस कि आपको जो अमाउंट है वो कब मिल रही है, 200 रुपीज आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो इसकी ट्रांजेक्शन बड़ी आसान हो गई, मैं लिखूंगा कैश ऑफ रुपीज 4000 एंड चेक ऑफ रुपीज 2800 वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अकाउंट अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 7000, खुद ही डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैश ऑफ रुपीज 4000 एंड चेक ऑफ रुपीज 2800 वाज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या डेटर Against an invoice of rupees 7000, ठीक है, क्योंकि जो आप रिसीव कर रहे हैं वो 6800 है टोटल मिलाकर दोनों को, और डेटर्स है 7000, ऑटोमेटिकली 200 का डिस्काउंट है। इसी तरह ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखिए, अब कैश 1000 माइनस हो रहा है, इसका मतलब मैं कैश मेरे से आउट हो रहा है, मैं दे रहा हूँ किसी को कैश, 2000 बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब 2000 का मैं चेक दे रहा हूं, ये पेमेंट की एंट्री नजर आ रही है, एक्सपेंस टेबल 4000, यानी 4000 का एक्सपेंस ऐसा है जो मैंने पे नहीं किया, और 7000 कैपिटल में से माइनस हो रहा है, नाउ इट बिकम्स वेरी क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस ऑफ 7000, ठीक है, वॉज इनकर्ड ऑफ विच 1000 was paid in cash, 2000 was paid by check, and 4000 shall be payable in future. ठीक है? या फिर repeat कर रहा हूँ कि expense of rupees 7000 was incurred, of which 1000 was paid for cash in cash, and 2000 by check, and remaining 4000 shall be payable in future. ठीक है? अब ये कैसे पता लगा कि ये एक्सपेंस ही है, इसका इस ट्रांजैक्शन से अंदाजा हो जाता है, ये चूंकि एक्सपेंस पेबल में आ रही है तो फिर ये एक्सपेंस है, ठीक है। देन ट्रांजैक्शन नंबर 3,
अच्छा ये बड़ी डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, बजाहिर बड़ी आसान है, स्टॉक में से 6000 माइनस हो रहा है, फर्नीचर में 6000 ऐड हो रहा है। एनी स्टूडेंट में आप लोगों का सर छोड़ दूं, बड़ी आसान है इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चीज है ये, कौन सी ट्रांजैक्शन नजर आ रही है जी। सर सोल्ड गुड्स वर्थ 6000 एंड बॉट फर्नीचर वर्थ 6000। आपने कहा जी कि एक 6000 का सेल किया, एक 6000 का बाय किया, तो ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ये याद रखिएगा, कंबाइन नहीं हो सकती। अभी मैंने इससे पहले ही आपको समझाया क्रोनोलॉजिकल, हर ट्रांजैक्शन उसके टाइम पर जैसे ही होगी आप रिकॉर्ड करेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता सेल और परचेज एक ही सेकंड में हो रही है, ठीक है ना, या सेल अलग होगी और परचेज अलग होगी, तो इसलिए ये सेल और परचेज कंबाइन नहीं कर सकते, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन लेनी है जिसमें ये दोनों कवर हो रही है। ये ट्रांजेक्शन आपके लिए बिल्कुल नहीं है ना, हमने क्लास में डिस्कस भी नहीं की अभी तक, हमारी ये अंडर डिस्कशन नहीं आई। ये बेसिकली होता क्या है, आप ऊपर गौर से पढ़िएगा, हम बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, फर्नीचर स्टोर, इसका मतलब जितना भी हम फर्नीचर बाय करते हैं वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं कि हमें इसको बेचना है, वो स्टॉक है। अब उसमें से कुछ फर्नीचर समटाइम आप ऑफिस के लिए रख लेते हैं कि यार ये फर्नीचर ऑफिस के लिए रख लेते हैं, इसको बेचना नहीं है, तो वो स्टॉक जो आपने खरीदने के लिए लिया होता उसमें से जो ऑफिस यूज के लिए लेंगे वो फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे इंटेंशन आपकी बदलती है ना तो वो ऑटोमेटिकली नेचर बदल जाती है, ठीक है, तो लिहाजा वो जो स्टॉक है ना ये आप फर्नीचर में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी ट्रांजेक्शन आप इस तरह लिखोगे, स्टॉक of rupees 6000 was transferred to furniture, ठीक है, यानी वो स्टॉक जो आपने पहले खरीदा हुआ था बेचने के लिए, अब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया फर्नीचर को ताकि वो ऑफिस में यूज हो सके। ये छोटी सी ट्रांजेक्शन थी इस हवाले से। ट्रांजेक्शन नंबर फोर देखिए, अब ट्रांजेक्शन फोर में कैश आपके पास इन हो रहा है लेकिन चेक आप बैंक आपका माइनस हो रहा है, बैंक आपका माइनस हो रहा है और कैपिटल 8000 कम हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल का कम होना या एक्सपेंस होता है या ड्राइंग्स होता है, एक्सपेंस हो नहीं सकता यहाँ पर, क्लियर नजर आ रहा है, तो ये ड्राइंग्स को हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 8000 की ड्राइंग हो रही है, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये है कि 8000 की अगर ड्राइंग हो रही है तो चेक तो 10000 का है, यानी इट मींस कि 10000 का आप चेक दे रहे हो और वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि 8000 की ड्राइंग हो रही है, तो 2000 फिर कहाँ गया, वो बिजनेस में वापस आ गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे उसको 8000 चाहिए, उसने 10000 का बैंक से रकम निकलवाई, ठीक है, और 8000 उसने खुद रख लिया, 2000 बिजनेस में ले आया, ठीक है। सो इसको मैं इस तरह नरेट करूंगा कि कैश ऑफ रुपीज 10000 वाज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश ऑफ रुपीज 10000 वाज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, ऑफ विच रुपीज 8000 वाज टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, बस खत्म हो गई, 2000 की बात ही नहीं हुई, क्यों? तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि 10000 मैंने विड्रॉ कराया और उसमें से 8000 रुपीज मैंने दे दिया किसको, ऑनर को, तो बाकी 2000 ऑटोमेटिकली बच गया हमारे पास, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, और ये ट्रांजेक्शन बन रही है कि कैश ऑफ रुपीज 10000 वॉज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, of which rupees 8000 was taken by owner for personal use, ठीक है जी। Next transaction, cash कम हो रहा है, इसका मतलब cash pay कर रही हूँ, bank का balance कम हो रहा है, इसका मतलब check भी pay कर रही हूँ, किसको pay कर रहे हैं, creditors को, क्योंकि creditor भी कम हो रहे हैं और 500 plus हो रहा है, discount receipt, बहुत easy, so अब इसको भी उसी तरह लिखूंगा, कैश ऑफ रुपीज 4000 एंड चेक ऑफ रुपीज 4500 वाज पेड अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 9000, सेम वो डेटर वाली एग्जांपल, वहां रसीद था या पेड है, यानी फिर बोल रहा हूँ कैश ऑफ रुपीज 4000 एंड चेक ऑफ रुपीज 4500,
was paid to supplier या creditor against an invoice of rupees 9000. ठीक है जी. एडजस्टमेंट नंबर 6, कैश आपके पास इन और है बिजनेस में, चेक यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो चेक मिल रहा है आपको, डेटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और स्टॉक माइनस हो रहा है और 2000 कैपिटल में पांच जगह पे जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि आप गौर से देखिएगा, 9000 आपने लेने हैं कस्टमर से और 5000 ले चुके हैं, 14000 और 12000 की गुड्स है. इसकी रिलेशन क्या बनी कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12000 वाज सोल्ड एट रुपीज या एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000 जो कैपिटल में प्लस हो रहा है. ठीक है, उससे आगे आपने फुल स्टॉप लगा के आपने लिखना है 3000 वाज रिसीव्ड इन कैश, 2000 थ्रू चेक एंड रिमेनिंग 9000 विल बी रिसीवेबल इन फ्यूचर. यानी इसको दो अलग सेंटेंस में कर देंगे आसान हो जाएगा. मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक ऑफ रुपीज 12000 वाज सोल्ड एट 2% रुपीज 2000 प्रॉफिट. ठीक है, 3000 वाज रिसीव्ड इन कैश, 2000 बाय चेक एंड रिमेनिंग 9000 विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर 7 और लास्ट ट्रांजैक्शन, इसमें देखें बैंक में से 4000 माइनस हो रहा है, ऑब्वियसली मैं पेमेंट कर रहा हूं, स्टॉक मेरा प्लस हो रहा है तो स्टॉक प्लस तभी होता है जब मैं बाय करता हूं, और 3000 लाइबिलिटी बढ़ रही है. इसे इजी ट्रांजैक्शन, स्टॉक ऑफ रुपीज 7000 वाज परचेस्ड, ठीक है, एंड 4000 वाज पेड थ्रू चेक, रिमेनिंग 3000 शैल बी पेएबल इन फ्यूचर. ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूं, स्टॉक ऑफ रुपीज 7000 वाज परचेस्ड ऑफ व्हिच 4000 वाज पेड बाय चेक एंड रिमेनिंग 3000 शैल बी पेएबल इन फ्यूचर. स्टॉक या गुड्स ऑफ रुपीज 7000 वाज परचेस्ड ऑफ व्हिच 4000 वाज पेड बाय चेक and remaining 3000 shall be payable in future. वो liability बढ़ रही है, ठीक है? तो ये अभी हमने आज जो question किए ना, ये हमने किए हैं जी थोड़े से 8. अभी दो question अभी रहते हैं और ये दोनों different हैं, ठीक है? दोनों different हैं. ये भी paper में आते हैं इस style के भी. तो एक तो तरीका ये है कि आप कहते हो तो मैं अभी उसका solution भी भेज देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है पहले कर लें, मैं शाम को भेजूंगा. इससे पहले करके रखें और शाम को जो है ना इफ्तारी से पहले मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है, सोल्यूशन ये पूरा तो उसमें से देख लीजिएगा, और फिर कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कल से मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें जरा अकाउंट इसको फर्दर हम मजीद डिस्कस भी करेंगे. फिर उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे. ये खत्म नहीं हुआ अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन, और इसमें अभी बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए क्योंकि तो ये मस्ट क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो ये था आज, हम इसी पे खत्म करेंगे क्योंकि बस कुछ सेकंड रह गए और क्लास हमारी खत्म हो गई.